पंजे चला चल चल चला कान में रुई डाल दी है। हाँ डाल दी। हाँ? देखें क्या ये बाहर आएगा तो देखते हैं शिनचैन अब क्या करता है। ओरियो तो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ओरियो क्या है बच्चे? वो शिनचैन तो निकल गया। शिनचैन तो भाग गया। ओरियो नहीं भाग सकता बट शिनचैन देखो ये मजे ले रहा है ड्रायर के भी। मार पड़ेगी। तो वो शिनचैन के पीछे लग गया। शिनचैन अपनी पूंछ को देख के ऐसे करता है। देखो थोड़ा सा भी डर रहा है तो इसका थोड़ा सा कंफर्ट लेवल बनाते हैं। हाँ हेलो व्हाट्स अप एवरीबॉडी, क्या हाल चाल आप सभी के। सो आज का व्लॉग होने वाला है बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग और बहुत ज़्यादा खतरनाक। जैसे कि आप थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि आज जो है मैं शिनचैन और ओरियो को बाथ टब में उनके लिए एक छोटा सा खरीद के लाया हूँ तो उसमें मैं उनको मतलब नहलाने वाला हूँ और कोशिश करते हैं कि ओरियो को थोड़ा स्विमिंग सिखाना शुरू करते हैं। ओरियो इज लाइक 3 months old रहा हूँ, अब 3 month का हो चुका है ओरियो। और आज मैंने अपने डॉक्टर को कंसर्न करा है, जो डॉक्टर सरदाना उनसे मैंने बात करी है और उन्होंने कहा है कि हाँ क्या वो 3 month का हो चुका है तो आप उनको नहला सकते हैं बट विद केयर, उसको अच्छे से कान में रुई डालकर उसको नहलाएं और साथ ही साथ उसको जैसे वो नहाता है उसके बाद उसको अच्छे से सुखा दे विद ड्रायर और विद टॉवल जो भी है। सो व्लॉग बहुत खतरनाक होने वाला है, पूरा व्लॉग देखिएगा लास्ट तक। अगर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपने मुझे अब तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। सो चलिए शुरू करते हैं। तो ये ऑलमोस्ट 3 foot का है, 3 foot का मैंने खरीदा है इसके लिए कि मुझे लगा कि छोटा सा बिल्कुल सही रहेगा और ये बिल्कुल बजट में भी आ जाता है। अगर आपके पास कोई डॉग है और आप चाहते हैं गर्मी आ चुकी है उनके लिए तो आप ये चीज़ बाय कर सकते हैं, बट ध्यान रखिए उसके नाखून ना हो ताकि ये फाट ना दे। मुझे भी डर है कि ओरियो या शिनचैन में से कोई इसको पंचर ना कर दे, बट स्टिल लेट्स टेक द रिस्क और इनको नहलाते हैं और देखते हैं इनका रिएक्शन क्या रहेगा दोनों बच्चों का। सभी हम फिलहाल इसको हवा भरवा कर ले आए हैं तो शिनचैन और ओरियो को मैं करता हूँ रेडी नहाने के लिए और इसमें भरते हैं पानी। ये ऑलमोस्ट 3 feet का है तो ओरियो के लिए परफेक्ट है, शिनचैन का मुझे पता नहीं बट ओरियो के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। पानी भरने का प्रोसीजर हम करते हैं शुरू। तो फिलहाल एक पानी तो हमने वैसे बाल्टी भरी पड़ी थी तो हमने कहा इस बाल्टी को यूज़ करें ठंडे ठंडे पानी से और अब वो वहाँ पर पाइप है, पाइप लगाते हैं इसके अंदर पूरा पानी भरने के लिए। और ओरियो को मैं भी रेडी करता हूँ, ओरियो के कान में थोड़ी सी रुई डाल देते हैं थोड़ी ज़्यादा थोड़ा देख के। अगर आपके पास भी कोई डॉग है तो आप भी अगर उसको नहलाना चाहते हैं तो रुई बच्चा है तो थोड़ी सी रुई डालें और ज़्यादा ज़ोर से अंदर मत डालें कहीं वो अंदर ही फंस जाए, तो बिल्कुल प्यार से उसको रखें ठीक है। तो अभी पानी भरता हूँ और ओरियो को मैं रेडी करता हूँ। सो फिलहाल थोड़ी सी मैंने रुई लेता हूँ और ये आप सभी का फेवरेट ओरियो मेरा बच्चा, मेरी जान, ओ मेरी जान बच्चे। अच्छा रुक जा रुक जा रुक जा, ऐसे थोड़ा सा और लेके ऐसे इसके हल्का हल्का रुई इसके कानों में डाल दो ताकि ताकि इसके कानों में पानी ना जा सके। तो दूसरी इसमें भी डाल देता हूँ। ये रहा आपका प्यारा शिनचैन और ये रहा आपका प्यारा ओरियो, तो दोनों को मैंने फिलहाल रेडी कर दिया नहाने के लिए और इनके टॉवल्स रेडी हैं। तो साथ में आज मेरा भाई अभिषेक हेल्प करा रहा है वीडियो बनवाने में तो इसकी इंस्टाग्राम आईडी मैं डिस्क्रिप्शन में आज दे दूंगा, आज इसको पूरे क्रेडिट्स मिलेंगे। तो मैं देखता हूँ पानी कैसे। ओ भाई पानी बिल्कुल ठंडा है और मज़ा आने वाला है ओरियो और शिनचैन को। तो शिनचैन को तो पता लग गया है कि आज वो नहाएगा। शिनचैन आपको पता लग गया कि आज आप नहा रहे हो, बट ओरियो भाई को कोई आइडिया नहीं है कि ओरियो के साथ आज क्या होने वाला है। ओरियो यार छोटा रह गया, बहुत छोटा रह गया। अगर 3 महीने के हिसाब से देखो ओरियो में दिमाग 4 महीने वाला है बट जो ओरियो का साइज है बहुत छोटा रह गया। लाल पानी हो चुका है फुल और वो दोनों मेरे बच्चे रेडी हैं, पर ये दोनों मतलब ओरियो जो है वो शिनचैन की नाक में दम करके रखता है। ये देखो वो उसके पीछे पीछे चलता रहेगा, उसको और कोई काम नहीं है ओरियो को। तो अभी मम्मी आ रहे हैं तो उसके बाद नहलाते हैं इनको अच्छे से दोनों को, इनको इन्जॉय करवाते हैं आज। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मेक श्योर हिट द लाइक बटन और कमेंट ज़रूर करें कि कैसे लगी वीडियो।
ओरियो आज तो तू गया, ओरियो आज तो तू गया 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 री, ओरियो मेरा गया री। इंजॉय करता है ऐसे, इसको ऐसे मसाज करो ना, पूरा इंजॉय करता है बच्चा मेरा। जा 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 जा। ये हमारे बाबा जी बैठे हैं, शिंचन बाबा। अच्छा, शिंचन के जब से बाल कटवाए ना, शिंचन बहुत शांत हो गया। पहले इसको बहुत दिक्कत रहती थी और अब ये पूरा ऐसे इंजॉयमेंट मूड में रहता है, इंजॉय करता है शिंचन हमारा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज सबसे पहला विक्टिम है हमारे, आज स्विमिंग में जिसको सिखाना चाहता हूँ वो है हमारे ओरियो बाबू। तो चलिए जय श्री राम करके, पहले तो मैं सोचता हूँ ओरियो को थोड़ा गीला कर लूँ ताकि इसका बॉडी टेम्परेचर थोड़ा सा आ जाए यू नो लेवल में। तो पहले ही बता दूँ ओरियो 3 मंथ का हो चुका है, और अगर आप कोई कमेंट कर रहा है ना कि ओरियो को तुमने क्यों ना लाया, मैंने डॉक्टर से पूछ के ना लाया भाई, तो ज़्यादा होशियारी मत प्लीज़। ओरियो भाई, ओरियो बाबू जी ड्राई क्लीन कर दिया है, अब मैं ओरियो को छोड़ रहा हूँ पानी के अंदर। खुश हो रहा है? हाँ। ओरियो चल कर कुछ, स्विमिंग कर चल, अबे बाहर निकल रहा है, चल पंजे चला, चल चल चला। कान में रुई डाल दी है? हाँ डाल दी है। ओरियो मेरा बच्चा। हाँ, तुझे भी नहाना नहीं पसंद क्या तेरे पापा की तरह? हाँ थोड़ा सा भी डर रहा है, तो इसका थोड़ा सा कंफर्ट लेवल बनाते हैं। हाँ हाँ जी, क्या हुआ? नहीं कर रहा। तो थोड़ा सा इसको छोड़, हाँ? देखते हैं क्या करता है, ये बाहर आएगा तो देखते हैं शिंचन अब क्या करता है। ओरियो तो, ओरियो तो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। ओरियो क्या है बच्चे? तो ओरियो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, नाकाम कोशिश, बट सो अब है ओरियो की के बाद शिंचन की बारी। तो मैं शिंचन को डायरेक्टली छोड़ रहा हूँ क्योंकि शिंचन तो नहाता रहता है। शिंचन का भी रिएक्शन बहुत अजीब सा है। शिंचन तो निकल गया, शिंचन तो भाग गया, ओरियो नहीं भाग सकता बट शिंचन पहले ही भाग गया। तेरा ये पूल पसंद नहीं आया इनको? नहीं अभी पहली बार है ना, तो अब मैं कोशिश करूंगा कि जितना ज्यादा रेगुलर दोनों को गर्मियों के अंदर पूल में ला सकूं। गर्मियों में तो शायद ना लेंगे, अभी तो गर्मी और अब क्या आएंगी मम्मी से ज्यादा। सो फिलहाल अब ओरियो मतलब वो क्या, ओरियो के लिए पहली बार पहला एक्सपीरियंस बहुत है इतना, तो मैं सोचता हूँ तो अब टॉवल है, इसको टॉवल से अच्छे से कर देता हूँ। शिंचन बाबा जी भी निकल चुके हैं, तब ओरियो को टॉवल लेके अच्छे से टॉवल से मैं तब अच्छे से टॉवल से यू नो ओरियो को मैं कर रहा हूँ, सुखा रहा हूँ। हाँ ओए मेरे बच्चो, मेरे बच्चो, हाँ मेरे नोनी, हाँ हाँ छींके। ओरियो अच्छे से सूख गया है, ओरियो को फिर भी अभी मैं ड्राई करूंगा एक बार ताकि इसको कोई बुखार या कुछ भी कोई दिक्कत ना आए। डॉक्टर ने मेरे को यही चीज़ कही है कि इसको अच्छे से आप ड्राई कर दें। और अब बारी है शिंचन की, आजा अभी शिंचन। तो बारी है शिंचन भाई की, तो शिंचन को अच्छे से, शिंचन को भी अच्छे से, वैसे शिंचन के ऊपर अब बाल नहीं रहे तो शिंचन तो वैसे ही सूखा सुखाया है। हाँ, तो ये देखो भाई साहब, ये भाई अब नहा चुके हैं। तो कैसा रहा सर आपका एक्सपीरियंस, आप प्लीज़ मेरी ऑडियंस के साथ थोड़ा शेयर करें। भाई ये स्टार बन चुका है मुझे, मतलब DMs आते हैं इसके नाम के और शिंचन के नाम के, तो तुम सबने इसको इतना प्यार करा है कि तुमने इसको स्टार बना दिया। ओरियो मेरे बच्चा स्टार बन गया, मेरे बच्चा ओरियो स्टार बन गया। तो अब इसको ड्राई करते हैं ड्रायर से, और शिंचन भाई तो हो गए हैं ड्राई। ये देखो ये मज़े ले रहा है ड्रायर के भी, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। सो अब मैं थोड़ा सा देखो, अब ये नहाने के बाद जो एनर्जी आती है ना मेरे डॉग्स में, अब ये नहीं पता मुझे सबके डॉग्स में आती है कि खाली मेरे डॉग में आती है। ये देखो वो ओरियो उसके पीछे लग गया शिंचन के। ओए होए ओरियो शांत मेरे बच्चे, तो वो शिंचन के पीछे लग गया। शिंचन अपनी पूंछ को देख के ऐसे करता है देखो। ओरियो तो लेट्स ट्राई कि ओरियो भी ऐसा करता है कि अपनी पूंछ को देख के। ओरियो नहीं, बट ओरियो अपनी पूंछ को देखो, अगर शिंचन की पूंछ को हाथ लगाओ शिंचन ऐसे घूमने लग जाता है।
ये पग में बहुत खतरनाक चीज है, ये देखो ये देखो, ये अब ओरियो पता नहीं क्या इसको है, इसको लगता है कि मम्मी घूमने जा रही है और ये मम्मी को रोकता है बाहर। एक बंदे ने कमेंट किया था कि भाई वो कहता है कि मम्मी बाहर कोरोना है आप मत जाओ, तो ऐसे करके ये छोड़ता है मम्मी को। बंदा कहेगा चुन्नी नहीं लेगी, ये देखो चुन्नी लेगी तो इसका मतलब बाहर जा रही हूँ, बड़ी बड़ा अजीब, चुन्नी लेगी तो इसका मतलब बाहर जा रही हूँ, बड़ा शरारती लड़का है यार, बहुत शरारती है। तो मम्मी ने मेरे डंबल रखे हैं, तो अब इन दोनों का डंबल पे रिएक्शन देखो, मेरे डंबल ला के रखे हैं और यो दोनों का डंबल, और ये डंबल मार, चल चल ओरियो, और ये डंबल मार, तो ये ओरियो बहुत शैतान है। तो अब ये क्या है देखो, ये जो शिनचैन करेगा ये वही सेम चीज करने की पूरी कोशिश करता है, शिनचैन के पीछे पीछे लगा रहता है पूरे दिन पूरे दिन पूरे दिन। तो मैं आजकल घर पे बहुत सारा वर्कआउट कर रहा हूँ, तो अगर आपको वो वर्कआउट देखना है छोटा मोटा, अगर आपको टिप्स चाहिए ठीक है तो मुझे बता दीजिए कमेंट में, मैं नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा एक दो मिनट का जो पार्ट है वो मेरे वर्कआउट का रख दूंगा, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए। और अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ वर्कआउट का आइडिया नहीं है, सी दिस क्लिप। बथेरिया का जोर लग्या होया थानू थले सिटन च, इत्थे कई हजे भी लाई जांदे आ, कईयां ने ला के हट भी गए, की करिए थले नहीं डगदे क्योंकि अकाल पुरख दा हाथ सिर ते आ। हां जिदन महाराज ने सिर तो हाथ चक लिया उदों दा असी कुछ कह नहीं सकते, पर अज दी तरीक च साडी गलबात ते ए गल मननी पैणी। तो ये क्लिप मेरी ऑलमोस्ट 2 साल पहले की है, जबकि मैं बिल्कुल फोकस था वर्कआउट से रिलेटेड, यू नो पूरी जिम वगैरह टाइम पे डाइटिंग वगैरह करता था। तो जब से थोड़ा सा यू नो कॉलेज वगैरह में गए हैं तो थोड़ा टाइम नहीं लगता, तो बट अब मैं दोबारा से सोच रहा हूँ ठीक है कि दोबारा से फॉर्म में आया जाए। तो अगर आपको टिप्स जाननी है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करें। सबसे बड़ी बात इसमें कमी ये है, बहुत तगड़ा भुक्खड़ है, ये देखो इसको मतलब खाने के लालच में कोई कहीं से भी उठा कर ले जाए। ये देखो खाना बनाने लगी तेरा ओरियो, ये मेरे पास है, ये देख ओरियो ढूंढ रहा है कि मेरे को आवाज आ रही है पर कहाँ से आ रही है। ये देखो ओ भाई, ये देखो शिनचैन भी देख रहा है उसको कड़ा हुआ। तो देखो ओरियो बहुत तगड़ा भुक्खड़ है, तो ओरियो को जहाँ खाना मिलता है ओरियो पूरा सेटल हो जाता है वहाँ पे। शिनचैन को समझ आ गया कि इसके साथ छलावा किया जा रहा है, बट ओरियो को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, इस करके शिनचैन कोई रिएक्शन नहीं दे रहा। तो ये देखो अब ये शैतानी कर रहा था, मार पड़ेगी नहीं तो चुप। अंधेरे में एक तो ब्राउन ब्राउन उसमें दिख भी नहीं रहा, ये इसको मम्मी ने ऊपर बिठा दिया, ये टिक के चुपचाप बैठ गया। मैं कह रही चुप, शिनचैन को बहुत तंग करता है यार, ये बहुत तंग करता है शिनचैन, ही तेरे को तंग करता है ना शिनचैन। मार पड़ेगी, मार पड़ेगी पलट के मारता है, मारो मारो शिनचैन। और ओरियो के साथ मैं करता हूँ आज के व्लॉग का एंड। सो अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज मेक श्योर हिट द लाइक बटन, और अगर आपने पूरा देखा यहाँ तक आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है। जितने भी व्यूज आप इतने प्यार दे रहे हैं, बट यार मोस्टली जो है व्यूज वो नॉन सब्सक्राइबर्स है यू नो मेरे, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को मेक श्योर ठीक है, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए, और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में।